हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट. माय नेम इज शाहीन एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पार्ट ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड. इससे प्रीवियसली हम लोगों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है. ये आपका जो लेक्चर रहेगा दैट इज रिलेटेड टू थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. और इससे प्रीवियसली आप जाके देख सकते हो कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डिटेल में कवर कर रखा है. नाउ अगर मैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक की बात करती हूँ आज, तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब आप रेंडम एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट बेसिस पे ट्राई करते हो. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड है. तो यहाँ पे रेंडम एक्सपेरिमेंट्स और प्रोबेबिलिटी दोनों मिक्सचर की बात होती है. अब इसकी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जो आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज टिपिकली बेस्ड ऑन डिस्क्रीट सीरीज एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बेस्ड ऑन कंटिन्यूस सीरीज. ठीक है, अब इनके लिए इंपॉर्टेंटली पूछा क्या जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स प्रॉपर्टीज दी जाएगी और उसके बेसिस पे पूछा जाएगा कि ये बताओ किस टाइप के थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है, या तो आपसे डायरेक्टली बताया जाएगा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आई गेस सो 4 मार्च का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रही थी मैं, 4 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट, और उसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको इनके मीनिंग के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज, इनके फॉर्मूले के ऊपर बेसिकली ज्यादा फोकस करना है. तो वो मैं कंटिन्यूस लेवल पे आप लोगों को करवाती रहूंगी और रिवाइज भी करवाऊंगी. तो ये आप लोग कंटिन्यूस बेसिस पे अपना वॉच आउट करना. चलो, 4 मार्च मॉर्निंग के अंदर ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन, और हर शिफ्ट में चाहे वो पॉइजन का हो, चाहे वो नॉर्मल का हो डिस्ट्रीब्यूशन का, चाहे वो बायनोमियल का हो, किसी भी लेवल पे क्वेश्चन को रेज किया जा सकता है. ठीक है, तो अब बात करते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की. तो रैंडम एक्सपोनेंट इज अज्यूम्ड एज, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको ही हम एज अ मॉडल फॉर द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को ही हम मॉडल या बेस मानते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है, बेसिकली. एंड द प्रोबेबिलिटीज क्या काम करती है उनके फंक्शन का. तो ये जो फंक्शन है दैट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोबेबिलिटी. और अगर उसका फॉर्मूला दिया जाएगा, जैसे बायनोमियल का फॉर्मूला होता है एनसीआर पी रेस टू दी पावर आर और क्यू रेस टू दी पावर एन माइनस आर, तो इसमें पी क्या है, क्यू क्या है. ठीक है, तो ये क्या होता है फंक्शन, और फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले को रेस किया जाता है. एंड द प्रोबेबिलिटी आर गिवन बाय फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स, और रैंडम वेरिएबल को ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बोला गया. तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इसको अरेंज करना है. नाउ अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो देर आर थ्री कैटेगरीज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ये तीन कैटेगरीज कौन सी है मैं आपको बता चुकी हूँ, द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है. थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अच्छा, जो सबसे पहला पॉइंट होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होता है देयर आर ओनली एंड ओनली टू आउटकम्स. ठीक है, या तो सक्सेस का आउटकम हो सकता है या तो फेलियर का आउटकम हो सकता है. दो आउटकम हो सकते हैं बाय मींस टू. तो क्या क्या हो सकते हैं, या तो सक्सेस हो सकती है या सक्सेस के अलावा फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, सक्सेस एंड फेलियर. ठीक है, तो सक्सेस विल बी रिप्रेजेंटेड एज
P and failure will be represented as Q. ये कौन सा distribution होता है? ये discrete distribution होता है, जैसे कि मैंने बताया. अब आप लोग अगर इस चीज में confused हो कि discrete series कौन सी होती है या discrete distribution कौन सा होता है या continuous distribution कौन सा होता है, तो अगर आप previous classes को देखोगे तो आपको पता चलेगा. जब मैंने first class ली थी आपकी statistics की, तो उसमें मैंने series को discuss किया था, और series के अंदर ही हम लोगों ने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वाली वैल्यूज को अच्छे से डिस्कस किया था, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो. तो डिस्क्रीट सीरीज की ये बात करता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की, और देयर आर ओनली एंड ओनली टू आउटकम्स, दैट इज अ सक्सेस एंड अ फेलियर. जैसे कि इफ आई टॉस अ कॉइन, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और टेल? देयर आर टू आउटकम्स ओनली, सैंपल स्पेस विल बी हेड एंड टेल. ठीक है, तो अगर मैं इसकी सैंपल स्पेस बनाऊंगी तो हेड आ गया या तो फिर टेल आ गया, तो ओनली एंड ओनली टू आउटकम्स होते हैं, उसको हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कंसिडर करते हैं. ठीक है, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख के बता दिया, बाकी एक बार और फॉर्मूला देखना है तो जो आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी डिनोटेड बाय एनसीआर, P raised to the power R and Q raised to the power N minus R. अगर सपोज इसको मैंने N और R की वैल्यू आपको बोली 5 और R की वैल्यू बोली 3, तो कैसे अरेंज करोगे? एक बार ये भी आपको पता होना चाहिए. सपोज ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको N गिवन है, नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है, और जो आपको R दे रखा है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकते हैं. तो अगर ये है तो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूज पुट अप करनी पड़ेगी. 5C3P, अब ये P क्या है, 1/2, एंड Q भी क्या होगा, 1/2, तो ये हो जाएगा एक बार 3 और एक बार हो जाएगा 5-3. एक बार सॉल्व करवा के दिखा रही हूं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, 5-3 2 फैक्टोरियल, एंड इट विल बी 1/8 एंड इट विल बी 1/4. तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 5×4×3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2×1/32. जब इसको सॉल्व कर देंगे एंड इट विल बिकम 2, तो 10/32 ये हो जाएगा आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर सॉल्यूशन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जहां पे बहुत ही सक्सेस के चांसेस बहुत ही कम हो. जैसे कि अगर आप बात करोगे तो अर्थक्वेक, ठीक है, दिन कितने होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो इन 365 डेज के अंदर अर्थक्वेक के कितने चांसेस होते हैं आने के, अर्थक्वेक के अकर होने के कितने चांसेस होते हैं, बहुत ही रेयर केस में होते हैं. तो यहाँ पे जो पी होता है, सक्सेस विल लीड्स टू जीरो, हो सकता है वो जीरो तक आए, और जो n होता है नंबर ऑफ फंक्शंस, ये कहां से कहां तक लीड करता है, इंफिनिटी, ये बहुत दूर तक जा सकता है, कितने भी नंबर हो सकते हैं. जैसे कि रोड पे एक बहुत ही बिजी रोड पे एक्सीडेंट के होने के चांसेस, तो ये भी क्या होते हैं, कम होते हैं. ठीक है, तो यहां पे बताया गया है कि आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया. अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर हम लोग एक तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हम लोग एक कर्व को, बेल शेप कर्व को स्टडी करते हैं, जिसमें ±1 और यहाँ पे म्यू होता है, ±1 और यहाँ पे क्या होता है, ±2 μ. ठीक है, इनकी स्टडी करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज के बाद अगर कुछ पॉइंट्स बचेंगे तो वो मैं अपनी तरफ से एड ऑन कर दूंगी. चलो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टर्म, दैट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय का मतलब होता है या तो टू
या तो ट्वाइस, तो मतलब कितने आउटकम हो गए, टू. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेल विद टू एंड ओनली टू आउटकम्स. कितने आउटकम्स है, केवल टू, या तो हाँ होने के या ना होने के, ओनली टू आउटकम्स है. कॉइन को टॉस किया जाए तो टू आउटकम्स होते हैं, है ना. ठीक है, नेक्स्ट इज, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे हम लोग दो डिफरेंट आउटकम्स को पढ़ते हैं. फर्स्ट आउटकम विल बी द सक्सेस एंड सेकेंड आउटकम विल बी द फेलियर. तो सक्सेस और फेलियर दो आउटकम होते हैं. ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ओनली. तो मैंने बता दिया कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर, मतलब पॉइंट्स में इनकी डिटेलिंग नहीं होती, डिस्क्रीट के अंदर होती है. नाउ थ्री टाइप्स क्राइटेरिया ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. द नंबर ऑफ द ट्रायल, वो कितने होने चाहिए, वो फिक्स्ड होने चाहिए. कितनी बार आप कॉइन को टॉस करोगे तो वो फिक्स्ड होना चाहिए. एंड कैन नॉट बी फ्लक्चुएटिंग. एंड फ्लक्चुएट कर सकता है एज पर द क्वेश्चन, लेकिन एक बार जो एंड गिवन है वो फिक्स्ड ही रहना चाहिए. देखो जैसे कि यहाँ पे जब एंड की वैल्यू थी, ये वाला जो एंड था, तो आप देख रहे हो ये फाइव है. फाइव टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया गया, तो दैट विल बी फिक्स्ड. नेक्स्ट इज एवरी ट्रायल, यहाँ पे एन क्या रहेगा, फिक्स्ड. ये है पहली प्रॉपर्टी. एवरी ट्रायल, हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट है. अगर सपोज मैं एक कॉइन को टॉस करती हूं और हेड आता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हेड अब ना आए, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं. तो ये इंडिपेंडेंट है, दोबारा भी हेड आने के चांसेस हो सकते हैं. तो ये कहलाता है कि ये इंडिपेंडेंट है. एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, पॉसिबिलिटी ऑफ नेक्स्ट ट्रायल. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज स्टेज द सेम. प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी और बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, मे बी इक्वल. जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है और ज्यादा हो सकता है वन ट्रायल से. ठीक है, अब नेक्स्ट इज, इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बताती हूँ. जहां पे मीन इज इक्वल्स टू एनपी होता है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू, ये किसकी बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं आपके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. वेरिएंस इज इक्वल्स टू एनपी क्यू होता है. एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट में एनपी क्यू. ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कि क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बात बोली गई है. चलो क्वेश्चन नंबर वन, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड फाइव टाइम्स, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, फाइव टाइम्स. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, दो चांसेस हैं. फर्स्ट एग्जैक्टली टू हेड, या तो दो हेड आए, ये चांसेस है. और सेकेंड वन इज फोर, आप बोल सकते हो चलो एक ही पॉइंट करो पहले, फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर देन सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे. पहले ये करके दिखाओ विद इन वन मिनट. तो ये तो समझ आ गया होगा कि आपको वैल्यू क्या क्या रखनी है. फॉर्मूला तो सेम है, एन सी आर पी रेस टू दी पावर आर क्यू रेस टू दी पावर एन माइनस आर. तो यहाँ पे आप जो वैल्यूज रखोगे, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्योंकि फाइव टाइम कॉइन को टॉस किया गया है. आर क्या है, टू हेड. ठीक है, यहाँ पे हेड को मैंने माना है सक्सेस, तो मैंने हेड वाले चांसेस को पी मान लिया, दैट विल बी वन बाय टू. और क्यू वाले को मान लिया मैंने वन बाय टू. ठीक है, ये है फेलियर. तो बस आपको क्या करना है, पुट करना है. जल्दी से पुट करके बताओ क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इसका.
ये तो आपका यहां पे क्या पुट कर दिया जाएगा, 5C2 देन 1/2 रेस टू द पावर, सिमिलर है ना प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, यहां पे आ जाएगा 2 1/2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2, तो इट विल बी बिकम 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 और ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/8। सिमिलरली 1/32, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 कर दो, मल्टीप्लाई 1/32, 2 से ये कैंसिल आउट 2, तो 10 अपॉन में 32 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और अगर इसी में बता दिया जाए एटमोस्ट 4 हेड आने के चांसेस क्या हैं, तो देखो ज्यादा से ज्यादा 4 हेड आए, तो ज्यादा से ज्यादा 4 हेड आने के चांसेस क्या होते हैं कि या तो 4 आ जाए या 4 से ज्यादा आ जाए। तो एक बार आप ये तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, एक बार आप 4 लेके करोगे और एक बार आप 5 लेकर कर करोगे, आर की वैल्यू एक बार 4 रहेगी और आर की वैल्यू एक बार फ्लक्चुएट होके 5 रहेगी, फिर जो दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे उनको एड ऑन करोगे। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और फिर इसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगी आपको कि आप करेक्ट हो या नहीं हो। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, अब बात करते हैं हम किसकी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ थियोरिटिकल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज वेरी यूजफुल, जो कि सिचुएशंस में रियल लाइफ में जो आप सिचुएशंस देखते हो, इवेंट्स देखते हो, उसमें काम आती है, जो कि कंटिन्यूस मैनर में चल रहा है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूटिलाइज किया जाता है टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एक्स नंबर ऑफ सक्सेस टेकिंग प्लेस इन टाइम। तो यहाँ पे एन लीड्स टू द इंफिनिटी हो सकता है, क्योंकि एन बहुत ज्यादा होता है और p रेस टू दी पावर क्या होती है, p रेस टू दी जीरो हो जाती है, p तक जीरो तक पहुंच सकती है और q क्या होता है, 1 तक पहुंच सकता है। नाउ एट फर्स्ट वी डिवाइड द टाइम इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल सच दैट n विल लीड टू इंफिनिटी एंड p डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो कि p क्या हो सकता है, p जीरो तक आ सकता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी मस्ट That condition is n multiply p, n multiply p is lambda, जो कि एक finite constant है। इसके अलावा इसके कुछ और variation, इसका formula देख सकते हो आप लोग, formula होगा इसका, यहीं पे discuss कर लेते हैं। इसके formula based question आ चुके हैं आपके paper में, that is e minus lambda मल्टीप्लाई बाय लैम्डा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा एक्स अपॉन में एक्स का फैक्टोरियल। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसके अंदर क्या होगा, और यहाँ पे मीन किसके बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर होता है, मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस ये किसने दिया था, ये दिया था साइमन, साइमन डेनिस पॉइजन। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक प्रोबेबिलिटी की कितनी डेंसिटी होती है, एफएक्स फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये एक कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज बोथ द थिंग्स आर डिस्क्रीट। एक्स कंसिडर्ड इन द सिस्टम द रैंडम वेरिएबल जो कि फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, आर वंस हूज वैल्यूज कैन अज्यूम एनी नोन वैल्यू इन गिवन रेंज, वी कैन हेंस
तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेंज को माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक लेके जाते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल वो सारे रैंडम वेरिएबल होते हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताता है प्रोबेबिलिटी के बारे में पर्टिकुलर रेंज से। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से। स्टैटिस्टिकल जहां हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम को स्टडी करते हैं। नाउ द थ्योरम स्टेट्स दैट, अब ये थ्योरम कहती क्या है, बिकम्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल इज सफिशिएंटली लार्ज। देखो इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है ना, ग्राफ्स होते हैं, एक होता है आपका, फिर ये होता है, ठीक है, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद म्यू माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे पॉजिटिव म्यू प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे वेरी करती है ये, यहाँ से यहाँ तक वेरी करती है, फिर यहाँ से यहां तक वेरी करती है टू तक, और फिर यहां से प्रॉपर ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक लाए करती है। तो प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन से प्लस माइनस वन, जो कि आपका प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है दैट विल बी 68%, प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है आपकी 95%, और प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है आपकी 98%, ठीक है, समथिंग समथिंग इतनी रहती है आपकी, जो कि प्लस माइनस 95 प्लस माइनस 98 99.7। ठीक है, चलो तो ये सारी डिस्कशन थी व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल इज सफिशिएंटली, जब बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर इंस्टेंस तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू चेंज इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, मीन और वेरिएंस। नाउ अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी रिवाइज कर लेते हैं। इवेंट और सक्सेस इज समथिंग जो कि काउंट की जाती है होल नंबर पे, दैट इज व्हाई पॉइजन मॉडल डिस्क्रीट नंबर के साथ डील करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स प्रीवियस अकरेंस। पिछली बार अर्थक्वेक आया या पिछली बार टाइपिंग एरर हुआ तो जरूरी नहीं है उसकी वजह से इस पे भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट टाइम फैक्टर रहता है। नाउ एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन, कि कितनी बार सक्सेस के चांसेस हो रहे हैं ये आपको ऑलरेडी पता होता है, मतलब जब आप डेटा को एनालाइज करते हो तब। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन सक्सेस, एक से ज्यादा सक्सेस होती है इन टाइम इज वेरी लो, वो क्या होता है बहुत कम। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मतलब हाफ लेफ्ट पोर्शन में हाफ राइट इक्वल पोर्शन में डिवाइड होता है। नेक्स्ट इज मीन मीडियन आर द सेम एंड लाए मिडल में लाए करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है डिस्टेंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिस्टेंस दूरी को अपनी बताता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीन टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा होता है, द प्लेस वेयर द कर्व चेंजेस, जहां पे कर्व क्या हो रहा है बदल रहा है, ये हो गया इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अपवर्ड डाउनवर्ड साइड पे ये होता है आपका इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट। ठीक है, द प्लेस वेयर द कर्व चेंजेस फ्रॉम एन अपसाइड डाउन बाउल शेप टू अ राइट साइड अप बाउल शेप। नाउ बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक बेल, इस यूनिक बेल की वजह से जो प्रोबेबिलिटी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉलो करती है रूल, इंपेरिकल रूल जो कि बताया गया है, अबाउट 68% वैल्यू होती है
जब वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन निकाला जाता है टू फाइंड दिस रेंज टेक द वैल्यू, ये जो मैंने आपको लिख के बताया था अभी न्यूमेरिकल वैल्यू में, वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन देन फाइंड द मीन प्लस दिस अमाउंट एंड द मीन माइनस दिस अमाउंट। अबाउट 95% कब होती है, जब टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन होता है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स वैल्यू जो कि थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन जो कि मैंने आपको बता दिया दैट विल लाई फ्रॉम 99.7% ही आ जाता है आपका इसके अंदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये देखो इंपॉर्टेंटली एक बार इसको देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर इंपॉर्टेंटली आप लोगों को वही दोबारा से प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, किसने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है जिसमें एटमोस्ट 4 हेड बोर्ड रखा है, तो वो वाला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। बाकी अगर कोई डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ओके। और अगर आपको किसी और टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।